नमस्कार दोस्तों, टॉपिक है डिस्कशन के लिए अनजस्ट एनरिचमेंट, या इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक लिटरल मीनिंग है इसका, अनजस्ट होता है जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ ना हो, या अनफेयर हो, या सही नहीं हो। और दोस्तों, एनरिचमेंट का मीनिंग देखें तो अमीर हो जाना या और ज़्यादा अमीर हो जाना। जहाँ तक दोस्तों इसकी उत्पत्ति या इसका जो ओरिजिनेशन है डॉक्ट्रिन का, वो है लॉ ऑफ इक्विटी, यानी कि जो इक्विटी की ब्रांच जो कि इंग्लैंड में डेवलप हुई थी, उसी की ही देन है ये अनजस्ट एनरिचमेंट। सिंपली ये डॉक्ट्रिन कहती है दोस्तों कि नो पर्सन कैन बी अलाउड टू एनरिच अनफेयरली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, यानी कि किसी भी आदमी को अगर कोई बेनिफिट होता है और उस बेनिफिट की वजह से किसी दूसरे आदमी को नुकसान होता है, यानी कि जो आदमी उसको बेनिफिट दे रहा है उसको नुकसान हो रहा है, और जिस आदमी के पास वो बेनिफिट जा रहा है वो जो है अनफेयरली है, ठीक है ना, सही नहीं है वो बेनिफिट, तो वो कहलाता है अनजस्ट एनरिचमेंट। जैसे मान लीजिए आप और आपका दोस्त जॉइंटली मुझसे 100 रुपया उधार लेते हैं, और क्या होता है कि आप जो है 2 महीने बाद वो 100 रुपया मुझे लौटा देते हैं, मुझे मेरा पैसा वापस मिल गया। अब इस बात का पता जो है आपके दोस्त को नहीं है, आपका दोस्त भी मेरे पास आता है और 100 रुपया मुझे देता है, मैं उस 100 रुपये को रख लेता हूँ, जो कि गलत है। ये है अनजस्ट एनरिचमेंट, यानी कि 100 रुपया दूसरी बार जब 100 रुपया आया तो बड़ी ऑब्वियस बात है मैं एनरिच हुआ, मेरे पास पैसा आया, पर वो क्या था, अनजस्ट, गलत था। क्यों? क्योंकि मुझे आपने पहले से ही जो आपने जॉइंटली पैसा लिया था उसकी पेमेंट कर चुके हैं एक मुश्त, अब दोबारा से उसकी जो पेमेंट है वो जो है वो मैं नहीं ले सकता, अगर मैं लेता हूँ तो वो अनजस्ट एनरिचमेंट होगा। और ये डॉक्ट्रिन कहती है कि अगर इस तरह से किसी को अनजस्ट एनरिचमेंट होता है तो लॉ उसे कंपेल करेगा कि भाई लाइए जो अनजस्ट एनरिचमेंट हुआ है आपको वो मुझे वापस दीजिए, तो मुझे वो 100 रुपया आपके दोस्त को वापस देना पड़ेगा। सेक्शन 68-72 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है दोस्तों, उसमें भी आपको अनजस्ट एनरिचमेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है दोस्तों वो इसी डॉक्ट्रिन के बेस पर बनाई गई है।